मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिल्ली में होने वाली मुलाकात किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई। ये मुलाकात गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 10:30 बजे होनी थी, जिसके लिए सीएम बुधवार शाम को ही दिल्ली आ गए थे। मुलाकात स्थगित होने का सही कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम की व्यस्तता के कारण ये मुलाकात स्थगित हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार सुबह चंडीगढ़ के रवाना हो गए। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को दोबारा मिलने का समय मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच होने वाली मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही थी क्योंकि पीएम द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात होनी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री के इस फैसले से प्रदेश में किसानों के रुख को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक समीकरण पर इस फैसले का क्या असर पड़ रहा है, इसकी जानकारी भी दी जा सकती थी। एलनाबाद उपचुनाव के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार के कयास थे, ऐसे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से इस बाबत भी चर्चा कर सकते थे। वहीं कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी चर्चा इस मुलाकात में होने की संभावना थी। अब मुख्यमंत्री खट्टर और प्रधानमंत्री की मुलाकात कब होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री से अगली मुलाकात का समय जल्द मांगा जाएगा। टोटल न्यूज़ के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।